तो स्टार्ट करते फिर से महाकालेश्वर मंदिर के लिए। इससे पहले मैंने अपना वो भोजनालय का वीडियो बनाया, अगर नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऊपर या आई बटन में भी आ रहा होगा तो वो आई बटन में भी डाल दूंगा। और अभी यहाँ पे मुझे एक अच्छा चीज़ मिला है कि अपना महाकालेश्वर जो उज्जैन घुमाने के लिए ना काफ़ी सारी बसें भी है, वैसे तो रिक्शा विक्शा प्राइवेट भी है तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, 150 रुपया पर पर्सन के ऊपर। और बस हमने जो मिली है वो 100 रुपया पर पर्सन ले रहा है और वो बहुत सारी जगहों पर घुमा रहा है, 150 रुपया पर पर्सन सिर्फ काल भैरव तक ले जाने के लिए, मतलब लेके जाएगा लेके आएगा 150 रुपया पर पर्सन। हाँ जी, तो जिस बस के बारे में मैं आपको बताया था उस बस का नाम है उज्जैन दर्शन और ये आपको उज्जैन महाकाल के चौराहे और हरिसिद्धि माता मंदिर के करीब ही मिल जाएगी। और ये कहाँ कहाँ घूमेगी मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दिख रहे थे सिंधापनी आश्रम, मंगलनाथ महादेव, सिद्धनाथ घाट, काल भैरव बाबा मंदिर, मित्रविंदा, स्थिरमल गणेश, गढ़कलिका, भर्तृहरि गुफा, श्री चिंतामण गणेश, शनि मंदिर, जंतर मंतर, रामगढ़ जहां हम रुके हुए हैं इस समय, महासिद्धि महाहरिसिद्धि माता मंदिर, इनका दर्शन तो कर लिया है पर वीडियो नहीं बना सका, बारा गणपति ये यहीं पे करीब में है, और महाकालेश्वर जिनका दर्शन आपने कर लिया होगा मेरे लास्ट व्लॉग में, और नहीं किया होगा तो उसे मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगा। और हमें इस बस का भाड़ा पड़ा है 100 रुपया पर हेड, मतलब 300 रुपये हमने पे किया है टोटल। हाँ जी, तो हमारी बस तो अभी पहले स्टॉप पे आ चुकी है और पहला स्टॉप है हमारा जंतर मंतर, 10 रुपये टिकट चला गए। अभी थोड़ा बहुत तो धूप आ जाए तो इधर देखने मिलेगा जंतर मंतर। हाँ जी, क्योंकि तो सामने आप जिन्हें देख रहे हैं उन्होंने इस जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना ये शंकु यंत्र है, एक्चुअली क्या करता है जैसे कि पृथ्वी के 360 डिग्री के हिसाब से बनाया गया जिसमें अपनी 7 रेखाएं खींची गई हैं, जो बीच की रेखा आप देख रहे हैं ना इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, और जो इस हिस्से को 2 हिस्से में बांटे जिसमें आपको 3 साइड 1 साइड 3 रेखाएं और 1 साइड 3 रेखाएं, तो ये इस हिसाब से कि मतलब जो सूर्य की किरण पड़ेगी तो आपको पता चलेगा कि इस समय कौन सा महीने में ये सूर्य चल रहा है, कौन से उसमें है। तो ये स्टार्ट होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से ये धमनी की आकृति बना हुआ है, बोलते नारे वाले यंत्र, धमनी की आकृति बना हुआ है, बोलते नारे वाले यंत्र। उत्तरायण में ये वाली घड़ी उपयोग करते हैं, दक्षिणायन पीछे वाली घड़ी का उपयोग करते हैं, नॉर्थ पोल में ये वाली घड़ी उपयोग करते हैं, साउथ पोल पीछे वाली घड़ी हैं, इसको बोलते हैं सन डायल अर्थात सूर्य घड़ी, सूर्य किरण चलने वाली घड़ी। सूर्य किरण रहेगी तो घड़ी काम करेगी अन्यथा काम नहीं करेगी, जैसे अभी देख रहे हैं आप अभी सूर्य किरण यहाँ पर डिम हो गई है तो ये वाला यंत्र काम नहीं करता है। बरसात के समय में और क्या कहते हैं सर्दी के समय जब सूर्य की किरण मध्यम रहती है तो ये वाला यंत्र काम नहीं करता है। अभी अभी सूर्य किरण इस पर नहीं पड़ रही है तो ये वाला यंत्र काम नहीं कर रहा है, देख सकते हैं 12, 11, 10 और सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है और यहाँ पे चलती है 12 बजे तक, और देख सकते हैं धूप यहाँ पे आ रही है इस समय 12 बजने के करीब है, और यहाँ से चलेगी दोपहर के 1 बजे से शाम के 6 बजे तक। ये आप ये सब पढ़ सकते हैं, और ये तुरी यंत्र का इस्तेमाल होता है अभी मॉडर्न टाइम पे, दिशा सूचक यंत्र, दिशा बताने वाले यंत्र। तो आप देख रहे हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट है, ये भी यंत्र है, ये पूरा 360 डिग्री बना हुआ देख रहे हैं, ये भी 360 डिग्री बना हुआ देख रहे हैं। आप इसकी छाया यहाँ से बन रही है 0 to 90 360 डिग्री बना हुआ है, अभी छाया इधर जा रही है, ठीक है। अब इस यंत्र के माध्यम से ये देखते हैं धरती सूर्य कितने कोण पर है, उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर जब सूर्यग्रहण होता है, चंद्रग्रहण होता है, आकाश में कोई भौगोलिक घटना होती है तो यहाँ के टीचर लोग रहते हैं वो यहाँ पर तुरियंत्र लगाते हैं, वो तुरियंत्र देख रहे हैं ऐसे लगा हुआ ऐसे अलग लगता है, इस खंभे के ऊपर तुरियंत्र लगाते हैं, वो जब तुरियंत्र उसके ऊपर पड़ता है जितने डिग्री पर तुरियंत्र घूम जाता है उतने डिग्री पर धरती सूर्य चंद्र का एंगल रहता है ना। यहाँ से पंचांग का निर्माण किया था, धरती केंद्र में जो मौजूद है तिपन पंचांग का निर्माण करता है, विश्व कैलेंडर अपने उज्जैन से बनता है। अभी आप देख रहे छाया वहाँ बन रही थी 95 डिग्री के आसपास की छाया, धरती सूर्य का कोण, दीवाल वित्तीय यंत्र भीतर दीवाल। अब ये दीवाल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उज्जैन जो है कर्क रेखा विराजमान सर है, ट्रॉपिक पेंसर इसके ऊपर से गुजरी हुई है, इस दीवाल के ऊपर से होती हुई महाकाल शिखर से होती हुई मंगलनाथ शिखर से होती हुई गुजरात में चली जाती है। अब आप भूगोल को बुक उठाकर देखोगे तो एक बारीक बारीक लाइन दिखेगी, वो बारीक बारीक लाइन कर्क रेखा की लाइन रहती है, वो कर्क रेखा इसी ऊपर से गुजरी रहती है। तो ये उज्जैन जो है
कर रखा है विराजमान शहर है और काल गणना की जाती है, क्योंकि इसलिए इस शहर का नाम, इस तीर्थ स्थल का नाम महाकाल पड़ा कि काल की गणना की जाती है और धरती केंद्र बिंदु पर मौजूद है। बाबा महाकालेश्वर जो धरती केंद्र बिंदु पर मौजूद है, मंगलनाथ केंद्र बिंदु पर मौजूद है और ये जंतर मंत्र भी केंद्र बिंदु पर मौजूद है। ठीक है, इसलिए धरती केंद्र बिंदु होने के कारण ये महत्वपूर्ण है। ज्योतिष केंद्र है, अपने जो पंचांग जो बनता है, अपने पंडित जो टिप्पण बनाते हैं वो यहीं से बनता है, यहीं से कैलेंडर छपता है, इसी कैलेंडर के आधार पर दूसरा पंचांग का निर्माण होता है। विश्व कैलेंडर यहीं से बनता है, तो कैलेंडर जिसको लेना रहता है वो यहाँ से टीचर से मिलकर यहाँ का ले सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि दो स्केल बने हुए देख रहे हैं, 0 to 90 कटा हुआ देख रहे हैं, ये 30 कटा निशान देख रहे हैं, 30 कटा निशान देख रहे हैं, ये 3 0 पे 3 0 पे कटे हुए दो रेखा, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव मिले हुए हैं। तो ये धरती केंद्र बिंदु है, विश्व के अंदर भारत, भारत अंदर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश उज्जैन, उज्जैन सेंटर पॉइंट है, अपने शरीर का नाभिक केंद्र बिंदु है, ये धरती के सेंटर पॉइंट होने के कारण इस राज्य का नाम मध्य के मध्य में स्थित है। उत्तरायण में एक स्किल उपयोग करते हैं, दक्षिणायण एक वाला स्किल उपयोग करते हैं। अभी ये वाला यंत्र सुबह 6 से 12 बजे काम करता है, 12 बजे बाद ये स्किल जो है इस दीवार को चली जाती है, ये वाला यंत्र काम नहीं करता है। उत्तरायण में ये वाला स्किल उपयोग करते हैं, दक्षिणायण ये वाला स्किल उपयोग करते हैं। उसको क्या करते हैं, देख रहे हैं कील बने हुए देख रहे हैं, वो धागा ऊपर नीचे क्यों लगाते हैं, धागा ऊपर नीचे क्यों लगाते हैं, दोनों धागे जहाँ मिलते हैं उसमें से पट्टी का नतांश माइनस करते हैं और यहाँ का ज्योतिष तक जोड़ घटा गुना भाग करते हैं। उतना करो चाहे धरती सूर्य की प्रकाश वर्ष में सूर्य की हाइट याद करने के यंत्र का उपयोग करते हैं और ये पट्टिका के माध्यम से पूरा ज्योतिष का अध्ययन किया जाता है। ओके, यहाँ पे सब नक्षत्रों के बारे में दिया गया है, तो पहले तो ग्रह दिखा देता हूँ आपको। बीच में सूर्य देव, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, अब प्लूटो को गायब कर दिया है, बेचारे प्लूटो के साथ हमेशा गलत होता है, वो ग्रह थोड़ी करता है, वही तो बोला बेचारा उसके साथ हमेशा गलत होता है, किसी दिन भड़क जाएगा वो। आप ये सब नक्षत्रों के नाम देख सकते हैं, ये वृश्चिक नक्षत्र, यानी सभी ग्रहों के इधर वो नक्षत्र है, सभी राशियों के। आप जरा करीब से देख लीजिए, ये देख लो, ये हमारी राशि है सबसे बेकार राशि। अच्छा, ये पूरा वर्ल्ड मैप बना है, अच्छा कौन किधर समय में किधर होगा इसमें बताओ, टाइम लगना पड़ता है ना, जैसे अपने अब 12 बज रहा है, देखो ये कहां है, इंडिया में 12:15 बज रहा है, इसका अपोजिट अमेरिका में कितना बज रहा है देख लो, अब इंडिया में दोपहर हो रहा है, अमेरिका में कितना हो रहा है देख लो, अमेरिका में 12:15 के आसपास समय जा रहा है। ये भूमि चक्र है, सब उस पर लिखा हुआ है, नक्षत्र नक्षत्र आप देख सकते हैं, मंडल के बारे में बताया गया है और उनके बारे में बताया गया है कि कौन कितना टाइम लेता है अपना परिक्रमा पूर्ण करने में, और ये है एक्यूप्रेशर बताया गया है कि बॉडी के किस हिस्से पे दबाया जाए जिससे बॉडी के किस हिस्से को रिलैक्स मिलता है, तो आप एक्यूप्रेशर भी सीख सकते हैं। तो अभी आपने जो भी सब देखा ये अपने जंतर मंतर में बनाया गया हुआ है, उज्जैन का जो जंतर मंतर है वो सबसे पहला बनाया गया है इन्होंने बताया, और इसके बाद बना था दिल्ली वाला, तो वो थोड़ा इससे एडवांस मॉडिफाइड है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं दूसरे स्पॉट पर, तो चलिए फिर वहीं पर मिलते हैं।